Hey guys, after so long, I am back with my another favorite recipe, white sauce pasta. मेरी व्हाइट सॉस का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है, बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ बनी है. आई एम श्योर आप सभी को व्हाइट सॉस पास्ता अच्छा लगता होगा और बच्चों का तो ये फेवरेट है, इसीलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. तो सबसे पहले गाइस, मैंने ये एक बर्तन में 1 से 1.5 लीटर पानी लिया है और इसमें मैं 2 चम्मच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ. पास्ता बॉईल करते समय आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप ड्राई पास्ता बॉईल कर रहे हैं तो सिर्फ सॉल्ट ऐड कीजिए. यहाँ मैंने पेने पास्ता लिया है, आप जो चाहें पास्ता ले सकते हैं. पानी में बॉईल आ गया है और मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया है और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर 10 to 15 मिनट्स तक बॉईल करूंगी, जब तक ये 80% कुक ना हो जाए. वैसे तो हर पास्ता के पैकेट पर मेंशन होता है कि आपको उसे कितनी देर तक पकाना चाहिए, तो आप प्लीज़ उसे चेक कर लीजिए. आप इसे ओवर कुक नहीं कीजिए. और अब ये 10 to 12 मिनट्स मुझे हो चुके हैं, ये 80% कुक हो चुका है. अब मैं इसे और ज़्यादा बॉयल नहीं करूँगी. इसे स्ट्रेन करके मैं ठंडे पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लूंगी ताकि कैरी ओवर कुकिंग ना हो. अब ये देखिए, मैंने इस पे वॉश कर लिया है. अगर आपको कुछ देर में पास्ता बनाना हो तो आप इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करके रखिए ताकि ये एक दूसरे से जुड़े नहीं. और अब मैं सबसे पहले व्हाइट सॉस बनाऊंगी. यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून बटर लिया है और ये बिल्कुल मैं मीडियम फ्लेम पर इसे मेल्ट कर रही हूँ. और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून मैदा. आप ध्यान रखें कि जितना आप बटर लेते हैं उसी रेशो में आपको मैदे की क्वांटिटी भी लेनी है, तभी आपकी व्हाइट सॉस का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी बनेगा. तो अब मैं इसे लो फ्लेम पर ही बिल्कुल हिलाते हुए इसी तरह से भून लूँगी. आपको मैदे को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए तब तक आपको इसे भूनना है. इसे मैंने 1 से 1.5 मिनट तक भूना है बिल्कुल लो फ्लेम पर. और अब इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है. अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूँगी और अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक विस्कर की, क्योंकि जब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी तो इसमें लम्ब्स बनेंगे और इसे मुझे विस्क करते रहना है. और थोड़ा थोड़ा दूध मैं इसमें ऐड करूंगी और इसी तरह से इसे विस्क करती रहूंगी ताकि कोई भी लम्ब्स जो हैं वो स्मूथ हो जाएं. ये आज मैं काउ मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी टोन मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध का यूज़ किया है. आप चाहें तो सॉस की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, बट मेरे बच्चों को बहुत ही क्रीमी पास्ता पसंद है इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सॉस बना रही हूँ. अब मैं धीरे धीरे करके सारा दूध इसमें ऐड कर दूंगी. इस सॉस को मैं 10 से 15 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर ही कुक करूंगी, जब तक ये थिक ना हो जाए या मुझे मेरी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाए. और अब इन बिटवीन ही मैं यहाँ पर प्रोसेस चीज़ भी ऐड कर रही हूँ. कभी कभी जब सॉस बनने के बाद हम प्रोसेस चीज़ ऐड करते हैं तो सॉस और ज़्यादा थिक हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पहले ही चीज़ ऐड कर रही हूँ ताकि मुझे मेरी सॉस की कंसिस्टेंसी पता चलती रहे. और अब ये 10 से 12 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्मूथ हो चुकी है, काफ़ी थिक हो चुकी है. और अब मैं इसमें सीजनिंग ऐड करूंगी. यहाँ मैं 3/4 टीस्पून ऑरिगेनो डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड की है. आप चाहें तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं चिली फ्लेक्स ऐड नहीं कर रही हूँ. अगेन मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स करूंगी, इससे ये सॉस का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी आता है. और अब मैं एक पैन में वेजिटेबल्स को सॉटे करूंगी.
यहाँ मैं बटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए। रिफाइंड ऑयल का इस सॉस में टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, इसलिए मैं बटर ही यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैंने ऐड किया है खूब सारा गार्लिक, ये 7 to 8 गार्लिक क्लोव्स थे, इन्हें मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। और मैं इसे आधे मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर ही सॉटे करूँगी। और नेक्स्ट मैंने यहाँ ऐड किया है एक अनियन, इसे मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसे 1 मिनट तक सॉटे करूँगी मैं। और उसके बाद मैं इसमें ग्रीन कैप्सिकम और रेड बेल पेपर ऐड कर रही हूँ। आप जो चाहें वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, आप बेबी कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, कैरेट्स, मशरूम्स, वेजिटेबल्स की चॉइस बिल्कुल आपकी है फ्रेंड्स। मेरे बच्चों को यही वेजिटेबल्स पसंद हैं, इसलिए मैं इन्हीं वेजिटेबल्स के साथ आज पास्ता बना रही हूँ। इन सभी को मैं बस 1 से 2 मिनट तक सॉटे करूँगी। इनको बहुत ज़्यादा हमें गलाना नहीं है, इनका क्रंची फ्लेवर हमें मेंटेन रखना है। और अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। और अब इन कुक्ड वेजिटेबल्स को मैं अपनी व्हाइट सॉस के साथ ऐड कर दूंगी और इसमें पास्ता भी ऐड कर दूंगी। 1 से 2 मिनट तक इसे इसी सॉस में कुक करूंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि हमने इसे 80% ही कुक किया था। आप चाहें तो इस वक्त यहाँ पर और चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे एक बहुत ही चीज़ी फ्लेवर आता है। सो गाइस, ये बना है बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता। ये दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस नहीं कर पाएँ। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो गाइज, मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।